हेलो हेलो हेलो, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से दीपांशु मीटिंग्स में। आज मैं कुछ शानदार बनाने जा रहा हूँ। ओके, मुझे कचरे से खेलना बहुत पसंद है, तो बस ये मैंने कचरा उठा लिया है पता नहीं कहाँ से, और आपके लिए शानदार से इयररिंग्स बनाऊँगा। आज मैंने टेप, जो हमारा टेप होता है ना, सेलो टेप, ट्रांसपेरेंट टेप, वो मेरा ख़त्म हो चुका था, उसके फ्रेम से हम एक ब्यूटीफुल इयररिंग बनाएंगे। अब देखो तो ये कितना शानदार है, मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। बस आप बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ शानदार इयररिंग्स के लिए। तो चलते हैं। सबसे पहले बाय द वे, इसी के साथ साथ आप भी मुझे बता दीजिए आपको कैसी इयररिंग्स डिज़ाइंस अच्छी लगती हैं, आप अभी क्लास कौन सी है और आपको क्या आर्ट पेंटिंग अच्छा लगता है। तो चलते हैं। सबसे पहले मैंने कट करूँगा, और कट किया है मैंने, वैसे इसके लिए अपने चाकू को गर्म किया था, वो भी मम्मी से चुपके, क्योंकि बताना मत, ठीक है, लेकिन आप लोग किसी की भी मदद ले सकते हैं। और ये मैंने ली है जो अगरबत्ती होती है, जब वो जल जाती है मंदिर में, उसके बाद जो उसके पीछे का हिस्सा बचता है वो मैंने लिया है, वो चिपका दिया है। उसके बाद मैंने उसके ऊपर राख डाल के वेरी क्विक से एकदम ऐसे जोर जबरदस्त कर दिया है, ज़्यादा ज़बरदस्त भी नहीं करना है। ओके, तो ये हो चुका है, बड़ा शानदार, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये नाड़ा था मेरी बहुत, आज बाबा आदम के ज़माने की लोअर, उसका नाड़ा, वो मैंने निकाला है। मैंने बताया ना मेरे को कचड़े से खेलना कितना अच्छा लगता है, तो ये वही नाड़ा। अब फेविक्विक से चिपकाने के बाद कितना शानदार लग रहा है, देखिए ये कुछ डिस्टर्ब कर रहा है ना। ओके, इसे काट देते हैं। अच्छा चल भाग गया फिर। अब इसके दूसरी तरफ ये हमारा फ्रंट साइड होगा। ओके, यहाँ पे भी मैं इस नाड़े को लगाऊंगा। ओके, लगा दिया फेविक्विक, और ये लग चुका है हमारा नाड़े का टुकड़ा, ठीक है। तो आगे चलें, देखिए कितना शानदार है, बहुत मज़ेदार, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इसको बनाने में भी, देखिए मज़ा। ओके, अब ये कचरे का जो मैंने चुराया था, ये फ्लैट कलरफुल थ्रेड बैंड जो भी आपको अच्छा लगे कह लीजिए, इसको भी हम ये सीधे चिपका देंगे बहुत अच्छे से। ओके, चिपकने के बाद इसको क्या करेंगे, कट करने वाली। बाय द वे, आप भी मुझे बता दीजिए क्या आपको कचरे से खेलना अच्छा लगता है, जल्दी से मुझे कमेंट कॉमेंट करके बताइए। ओके, ये चिपक गए। अब एक शानदार पार्ट आने वाला है, वो है क्या, देखते रहिए मेरे साथ। अब हम इस पे डांडिया खेलेंगे, सॉरी नहीं डांडिया नहीं, डिज़ाइन बनाएंगे। ये मेरे परमानेंट मार्कर्स हैं। ओके, मेरे पास बेचारे यही दो मार्कर हैं, इन्हीं से मैं करता रहता हूँ सब कुछ। तो डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। मैंने बहुत सिंपल डिज़ाइन को यूज़ किया है, डॉट्स। ओके, डॉट्स ताकि सब लोग बना लें अगर उनका मन हो तो। ये हैं डॉट्स, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने डॉट्स, और बीच में लाइंस, कितना शानदार है ये डिजाइन। अरे वाह वाह वाह, कितना अच्छा, बड़ा सीर, कितना शानदार है ना। मुझे पता है शायद आपको ये अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी आप मुझे बताइएगा जरूर कि आपको और कौन से नए डिज़ाइन या किस चीज़ से इयररिंग्स देखना, किसके इयररिंग्स देखना पसंद है, किस चीज़ से बने हुए, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, अब इस शो में बिल्कुल सिंपल सी स्नेक और डॉट की डिज़ाइन बनाने जा रहा हूँ। ओके, देखिए कितनी शानदार है, मेरा तो बहुत मन कर रहा है मैं इसको ट्राई करवाऊँ अपनी सिस्टर पे। उसे इयररिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं लगते हैं ये कचरे के, बट फिर भी वो पहन लेती है, वो मेरे मॉडल बन जाती है, मॉडल। ओके, मज़ेदार, देखिए तो कितने शानदार हैं ये इयररिंग्स, देखो बहुत मज़ेदार। और अब एक नया पार्ट, वेलकम अगेन, अब हम बनाएंगे क्या। मुझे कचरे से खेलना बहुत 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 पसंद है, और ये कचरे का सबसे बड़ा वाला हिस्सा है जो आज मैंने बटोरा था। आज मैंने ये पैन लिया है, खाली पैन, और इसे हम ऊपर से घिसेंगे,
ताकि हम इससे अपनी पेंसिल के लिए कैप बना सकें, क्योंकि कई बार मेरी पेंसिल गिरने से उसकी नोक टूट जाया करती थी, तो इसीलिए मैं ये करने जा रहा हूँ। इससे हम बहुत शानदार सा कैप बनाएंगे, आप देखिए तो बहुत मजा आने वाला है, कुछ अनएक्सपेक्टेड सा होगा हमारे साथ, बस बने रहिए आप लोग। ओह, इतना सब कुछ करने के बाद लपेट रहे हैं बेचारे का दम घोट दिया लपेटते, कोई बात नहीं, हो गया। अब हम इस पर कुछ सामान छोटे छोटे नन्हे मुन्नी चीज़ें बनाएंगे। ऐसे ये मैंने चुराए नहीं है, ओके, हमें चोर नहीं हुआ, मम्मी की बिंदी जरूर चुराई है मैंने छोटी सी, और उस पर लिप्स के आकार को ट्रेस किया है ताकि इसको हम बाद में काट सकें, ओके। बाय द वे, मैंने इसके साथ साथ इसका नाम भी सोच लिया है, इसका नाम मैं रखूँगा मिस मेडुसा। मेडुसा वैसे आपको याद होगा, आई थिंक ये ग्रीक करेक्टर है, इसके हेयर स्नेक जैसे होते हैं और ये किसी को भी देख लेती है तो वो पत्थर में बन जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो अब चल रहे हैं, ये मैंने लिप्स को कट कर दिया, अब लिप्स पर बीच में लाइन तो होनी ही चाहिए, देखिए ये है मेरी मिस मेडुसा। अब इनके स्नेक की हेयर्स की बारी है। अब ये जो गोल्डन कलर का आप देख रहे हैं, ये एक परफ्यूम का कैप, स्प्रेयर कैप है, जो मैंने पापा की परफ्यूम पुरानी थी जो ख़त्म हो गई थी उससे मैंने चुराया था। वैसे मेरे को चोरी करना अच्छा नहीं लगता है, मैं मांग भी लेता हूँ, ओके, सो चलते हैं। बाय द वे, मैं आपको बता दूँ कि इसमें मुझे टाइम तो काफ़ी लगा, लेकिन ये बहुत शानदार था, आप देखिए तो कितना मज़ेदार है ये, इसको बनाना और बाद में इसको देखना, ओह माय गॉड, देखो ये बन गई है मिस मेडुसा। बस इसको मुझे चिपकाना है, बस, और चिपकाने के बाद बन जाएंगी मिस मेडुसा, रेडी फॉर मेक फ्राइट एवरीबॉडी। यस, ये है मिस मेडुसा, देखिए कितनी शानदार है इनकी ग्रीन कर्ली हेयर्स, और पेंसिल में कितनी फिट बैठी है मिस मेडुसा। So subscribe to the Pansy's Meetings and thank you so much to be with me until now. Thank you for watching, share, subscribe and love your life. Thank you so much. Main hoon Medusa. Thank you. And comment.